जय दोस्तों, क्या हाल है। टाटा मोटर्स की सफारी और हेरियर यानी कि इंडियन रेंज रोवर भाई जल्दी इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने वाली है। उसका की इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म होने वाली है। तो अगर आप भी इसका के लिए वेट कर रहे तो भाई वेट मत करना, और अगर आपने किसी कार को बुक करवा लिया तो भाई बुकिंग को करो कैंसिल और बस इंतजार करो इसका के लॉन्चिंग की, क्योंकि इसका को अगले महीने अक्टूबर से नवंबर के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है, जिसके ऑफिशियल डिटेल्स भी लेकर आए हैं, साथ में कुछ खास स्पॉन्सर्स निकल कर आए हैं उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन देंगे और खास कुछ का डिटेल्स भी लेकर आए हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे वीडियो में डिटेल पर। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए इसे कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात इसका की लॉन्चिंग की, तो इसका की जो लॉन्चिंग है वो अक्टूबर से नवंबर के अंदर बताई जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली जो डेट है ना वो फिलहाल क्लियर नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है कि फिलहाल दोस्तों कोई भी टाटा मोटर्स की तरफ से ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आई है कि इसका को इस डेट पर लॉन्च किया जाएगा। तो भाई ऑफिशियल जो डेट है ना वो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भाई इतना मैं आपको क्लियर बता दूँ कि इस कार को अक्टूबर से नवंबर पर लॉन्च किया जाने वाला है। ऑलरेडी हमने भाई पिछली बार जब एक ऑफिसर से बात की थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी अपलोड की थी और आपसे लोगों को बताया भी था, कि जब भाई उस ऑफिसर का कहना था कि टाटा मोटर्स की जो सफारी और हेरियर है उसकी जो टेस्टिंग है उस पर काम चल रहा है, और जैसे ही काम कंप्लीट होता है तुरंत ही उस कार को लॉन्च किया जाएगा, और लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इससे क्लियर है कि भाई इस कार को इस साल के एंड तक लॉन्च किया जाएगा, वो जो भाई उन्होंने ऑलरेडी कह दिए। और अब जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं भाई इस कार को कहीं डीलर के पास हुए तो कहीं किसी और प्लांट से बाहर निकलते हुए अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, जिससे क्लियर होता है कि इस कार की जो लॉन्चिंग वो जल्द है और भाई हर एक डीलर के पास इस कार को पहुँचाना स्टार्ट कर चुकी है टाटा मोटर्स। अब भाई कौन कौन सी डीलर पास पहुँचने शुरू कर चुकी है, कौन कौन सी डीलर के पास में ये कार पहुँच चुकी है, और कौन कौन सी डीलर इस कार को चोरी छुपे भाई टेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास हो तो भाई नीचे कमेंट कर देना, कि आपसे लोग एक कमेंट आपको बाकी लोगों को काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अब भाई इसका की जो प्राइस है ना उसकी बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स की जो हेयर और सफारी है उसका की जो प्राइस है वो तकरीबन 15 लाख स्टार्ट से स्टार्टिंग होगी, और करेंट जनरेशन से जो इसका की प्राइस है ना वो तकरीबन 50 से 70 हज़ार या फिर 80 हज़ार रुपये ज़्यादा देने को मिलेंगे, जो इसका की प्राइस को जस्टिफाई करेगी, क्योंकि इसका आपको काफ़ी सारे नए फीचर मिलने वाले, और सिंपल सी बात है पूरी की पूरी जो इंटीरियर है और पूरी की पूरी जो एक्सटीरियर है वो पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। तो मतलब भाई फील आपको ज़बरदस्त आएगा, प्रीमियमनेस जो फीचर जो कंफर्ट कन्वीनियंस सब कुछ बढ़ा दिया जाएगा। तो उस जगह पर 50 से 80 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप भाई एक कार पर 15 से 17 लाख रुपए लगा रहे हैं तो भाई 1 लाख रुपए और लगा दो और फीचर ले लो, काफ़ी ज़बरदस्त फील आएगी, कमाल की, और भाई पावर जबरदस्त मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं चेंजेस की, और कुछ खास स्पाइस और जो निकल कर आए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात इसका जो एक्सटीरियर है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, जो हमने ऑलरेडी काफ़ी बार वीडियो में बता दी है, साथ में इसका कि इंटीरियर है उसको भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। चलिए हम शॉर्ट पर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल नई ग्रिल मिलती है, एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है, वो भी स्पिल्ट वाली, ऊपर की तरफ आपको डीआरएल मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों ने स्पायर शॉर्ट्स पर देख लिया, और साथ में जो स्पायर वीडियो शूट आए हैं उन सभी पर क्लियर तौर पर आपको नजर आ रही होगी। साथ में फ्रंट का कैमरा मिल जाता है, नीचे की तरफ जो ग्रिल है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो भाई ग्रिल को भी काफ़ी अच्छा खासा शेप दिया गया है। साथ में जो उसका की हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अब एग्जैक्टली जो इसका की हाइट है वो ज़्यादा है या फिर नहीं है तो भाई आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन भाई देखने पर इसका की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। साथ में पीछे की तरफ भाई अगर सफारी के देखें तो आपको बिल्कुल फ्लैट रियर प्रोफाइल मिलता है, जबकि हेरियर पर आपको थोड़ा सा कोपे एसयूवी वाला स्टाइल मिल जाता है। अब भाई हेरियर और सफारी पर आपको 5 और 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा कोई खास चेंज आपको देने को नहीं मिलता है। लेकिन भाई इसके साथ में एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि 5 सीटर हो या फिर भाई आपको ये 7 सीटर हो, जिसका कि फ्रंट की ग्रिल है और जो पूरी की पूरी ओवरऑल जो लुक है ना वो अब आपको अंदर नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल सेम टू सेम देने को मिलेगी, जैसा कि पहले आपको हेरियर पर अलग और सफारी पर ट्रायंगल बिल्कुल अलग मिलता था, भाई वो अब चीज़ें नहीं होने वाली है। टाटा की सफारी और हेरियर पर इन दोनों ही पर बिल्कुल सेम डिजाइन देखने को मिलेगी, और उसके साथ में भाई इसका की जो रियर है ना वहाँ पर आपको कनेक्टर वाले एलईडी टेलर का सेटअप मिलता है, जो कि आप भाई इस लेटेस्ट स्पायर शॉर्ट्स पर देख सकते हैं, जो भाई ऑलरेडी हमने ऑटो एक्सपोर्ट 2023 पर जब हेरियर ईवी को लॉन्च किया गया था उस जगह पर देख लिया था। भाई यहाँ पर मैं एक डाउट है कि भाई इस कार की जो डीआरएल है वो भाई आप सब लोगों को कनेक्टेड मिलेगी या फिर नहीं। भाई जिस तरीके से हमने देखा टाटा के नेक्सॉन पर कि आप सब लोगों को इलेक्ट्रिक पर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिलती है, जबकि जो नॉर्मल इसका की पेट्रोल है ना वहाँ आपको भाई छोटी छोटी एलईडी डीआरएल मिलती है पतली सी, लेकिन वो भी फंक्शनल है। भाई वो सेम चीज़ें यहाँ पर आप सब लोगों को इस इलेक्ट्रिक के साथ में किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो टाटा की सफारी और हेरियर की जो नॉर्मल पेट्रोल है ना उसमें आपको जबरदस्त वाले फीचर और फील भी काफ़ी कमाल कहने वाली है। हो सकता है कि भाई कनेक्टेड वाले डीआरएल ना हो, लेकिन कनेक्टेड वाली एलईडी टेलर का सेटअप 110% मिल चुकी है, तो ये इसके बारे में कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है।
साथ में अगर देखें तो भाई आप लोगों को साइड्स पर है ना उस पर बिल्कुल नई और काफ़ी कमाल के शार्प डिज़ाइन पर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं और एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन बिल्कुल ज़बरदस्त है और बिल्कुल ऐसी डिज़ाइन है जो आपने भाई आप तक किसी और कार पर नहीं देखा हो। अगर आपने देखा है इस तरीके का जो एलॉय व्हील है तो भाई नीचे कमेंट करना, आपके कमेंट को 110% पिन किया जाएगा अगर आपकी भाई बातें सच होती है। साथ में दोस्तों एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि केवल एलॉय व्हील के डिज़ाइन को चेंज नहीं किया गया है बल्कि भाई साइज को भी 1 इंच से बढ़ा दिया गया। अब आपको 18 नहीं बल्कि 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं तो भाई हो सकता है कि ये इसका टॉप एंड वेरिएंट हो लेकिन फिर भी भाई मिलते हैं तो भाई मिलते हैं, जबकि पहले आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते थे वो भी 25 लाख के सफारी पर, तो भाई ये बिल्कुल ही गलत होती थी। और इसके साथ में अगर इसका कि इंटीरियर की तरफ भी देख लेते भाई तो इंटीरियर पर आप चलो वो बिल्कुल फ्रेश इंटीरियर मिलता है, बिल्कुल कमाल का शार्प और बिल्कुल कमाल की लुक प्रोवाइड मिल जाती है। सेंटर पर आपको 12.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है, साथ में 10.25 इंच की भी मिलती है। अब भाई आप लोगों को इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 12 इंच का है बल्कि इसके मीडियम मॉडल और जो बेस मॉडल है वहाँ पर आपको लोगों को 10.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, एडास के कुछ खास फंक्शन जो कि आपको 25+ अलग अलग फंक्शन के साथ में आती है वो सभी फीचर से लेस ये जो कार है वो काफ़ी जबरदस्त रहने वाली है। दोस्तों इतना ही नहीं, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रेश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है वो भी 10.25 इंच की। अब भाई अगर आप इसको ध्यान से देखो तो भाई ये सेम डिस्प्ले और ये सेम जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपने टाटा नेक्सॉन के नए फेसलिफ्ट पर देखा जो भाई कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो भाई कुल मिलाकर बात ही यही है कि टाटा नेक्सॉन की जो फेसलिफ्ट है उस पर जितने भी तरीके के चेंज किया गया था, मतलब कि टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, एक बड़ी सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कुछ भी हो भाई वो सभी फीचर आपको इस कार पर मिलने वाली, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त होने वाली है। साथ में आप सभी को भाई 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा मिल जाता है, 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड मिल जाता है, 4 चैनल ABS मिल जाती है, मतलब सेफ्टी को भी काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है और भाई ऑलरेडी फीचर को भी काफ़ी इंक्रीज ऑलरेडी कर दिया गया है। तो मतलब फीचर सेफ्टी के मामले में कुछ नहीं सोचना भाई, सेफ्टी बढ़ चुकी है, फीचर बढ़ चुका है, लुक्स बढ़ चुके हैं, तो भाई पावर भी बढ़नी चाहिए। तो भाई पावर को तो बढ़ाया नहीं गया है, 2.0 लीटर की डीजल आपको 170 PS की पावर 400 Nm टॉर्क के साथ में अभी मिलती है, लेकिन भाई वहीं अपनी ऑटो एक्सपोर्ट 2023 पर दिखाई गई 1.5 लीटर की टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 170 PS की पावर, लगभग 218 Nm का टॉर्क मिल जाता है, साथ में 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। तो मतलब गैस ट्रांसमिशन हो जाए, पावर हो जाए, परफॉर्मेंस हो जाए, जबरदस्त मिलने वाली, मतलब किसी भी मामले में आपको टाटा की सफारी और हेरे पर आपको टेंशन नहीं लेनी। और भाई सबसे कमाल की बात बताए तो गैस यहाँ पर आप देख सकते कि टाटा की सफारी और हेरे का जो रोड प्रेजेंस है ना, मतलब आने वाले फेसलिफ्ट का, वो जबरदस्त लग रही है। भाई आप चलो टाटा की सफारी और हेरे का नया फेसलिफ्ट कैसा लगा, क्या आप इसका के लिए वेट करना चाहेंगे या फिर इसी सेगमेंट पर आने वाले किसी और मिड साइज SUV के साथ में चले जाएंगे, नीचे कमेंट करना आपकी पसंद, आपकी राय और आपका क्या कहना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए कमाल की इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।